रोटेट भी कर लिए इसने तो। यार चील आ गई, चील डब्बू यहाँ पर आ जाओ डब्बू। हाँ जी, देखे किस तरह भागे आ रहे हैं इस डायनासोर को, देखे जरा पहले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे, आपकी जिंदगी अच्छी और खुशहाल जा रही होगी। तो दोस्तों जिस तरह आप लोगों ने हमें कमेंट में बताया कि रेजे को अंडों पर बिठाओ, अंडों पर बिठाओ, अंडों पर बिठाओ, तो फाइनली आज हम रेजे को अंडों पर बिठाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि यार हमें भी छोटे छोटे चिक्स की बहुत ज्यादा तमन्ना है, हमारे सेटअप पे छोटे छोटे चिक्स आए और घूमे फिरे तो बहुत मौते करेगा, तो इंशाल्लाह आज रेजे को अंडों पर बिठाएंगे इंशाल्लाह। तो बस बाकी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और पूरी वॉच करें। अभी 11 अंडे इंशाल्लाह मुर्गी के नीचे रखेंगे, वो भी आपको दिखाते। अंडों को तरतीब से रख दिया क्यों यार यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसलिए था कि यार पीछे भी सर्दी होती है तो मुर्गी इसको यहाँ पर अपनी जगह है तो इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लेगी। अभी मुर्गी को बिठाते हैं, देखते हैं कि बैठती है या नहीं। कह रही हूँ उसकी मुर्गी, जाओ यार शाबाश बैठ जाओ, शाबाश मैंने तुम्हारे लिए अंडे वहाँ पर रख दिए, जाओ शाबाश बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। अभी देखते हैं कि ये बैठती है या नहीं। दोस्तों मुर्गी बैठ गई है, अभी देखते हैं कि सही से उसने अंडे कवर कर लिए या नहीं। हाँ कवर कर रही है, देख ले माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बस यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि बच्चे पूरे निकलवाए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों मुर्गी को इस तरह कपड़े से इस नेस्ट को छुपा दिया ताकि यार सर्दी ना जाए ना, बस यही जगह थोड़ी सी बाकी है। और अंदर आप देख लें, खूब मज़े के साथ मुर्गी बैठी है माशाल्लाह। बस आज तकरीबन 8 तारीख है और इंशाल्लाह हिसाब फिर लगवाएंगे कि 20 दिन बाद चूजे निकलते हैं, 21 बाद निकलते हैं या 22 दिन बाद, क्योंकि सर्दी है ना, शायद 21-22 दिन बाद चूजे निकल आए, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बस दुआ करें कि इंशाल्लाह चूजे सही सलामत निकल आए। ये ले जा रहा है जी इसके लिए, शुक्र। ओए होए होए, क्या हाल है जी, ठीक हो, सबर करो, सबर 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 करो, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सबर करो। इसके लिए हम ये चोकर डालेंगे, अभी डायनासोर को, इस डायनासोर को देखे जरा पहले से आ गया, सबर नहीं है इसमें। आ जाओ खाते जाओ, इधर आओ खाते जाओ, इधर आओ तुम भी खाओ। डायनासोर इधर अकेला खा रहे हैं, सबर नहीं है इसमें बिल्कुल। इधर आओ तुम भी खाओ, ये लो खाते जाओ, खाते जाओ, इधर आओ तुम भी आओ, बाकी को भी डाल देते हैं। हट जा हट जा, सबर करो, इनको भी छोड़ देंगे और ताकि तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, और तुम लोग भी आ जाओ, ठीक है आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, तुम लोग को यहाँ पे डाल देंगे। हटो हटो यार, सबर करो, कुछ तो छोड़ो इनके लिए ना, कुछ तो छोड़ो इनके लिए, हट जाओ, इधर डाल देंगे इनके लिए, आ जाओ खाते जाओ, और तुम लोग भी आओ, बाकी इधर डाल देंगे। ओए ओए डायनासोर ज़ालिम, क्या कर दिया तूने, हाथ जख्मी कर दिया तूने। इतने आराम से ये खा रहे हैं, देखें ये शेर जो है ना हमारा, ये बड़ा अच्छा है जी, ये सही तरीके से खा सकता है, बाकी जो है ना ये डायनासोर नहीं है, वो लड़ाई करता है, तो इस वजह से ये हर किसी के साथ लड़ाई करते हैं, उसको किसी को खाने नहीं देते। तुम भी कहो अच्छा अच्छी तरह खाते जाओ। तो दोस्तों इनको हमने खाने डाल दिया जी सुबह सुबह। करो ना यार तुम क्यों कर रहे हो सारा डायनासोर यार, पता नहीं क्या हो गया इसको, जब से ये जवान हो रहा है ना तो एग्रेसिव हो रहा है और हर किसी को मारता है। तो सुबह सुबह हमने इनको डाल दिया था ना, वो चोकर डाल दिया, तो ये खा रहे हैं सारे। यार तुम क्या कर रहे हो यार। अच्छा ये देख लीजिए हमारे जो रैबिट का घर है ये बन गया जी, आप देख लें, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस्सा लगा जी। बाकी सेटअप भी हम कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसके लिए ग्रीन प्लास्टिक की ग्रीन नहीं होती चमन, वो ले आएँ और रखते हैं तो ताकि और खूबसूरत लगे, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आज रैबिट ले आएँ जी। कहते जाओ तुम लोग, अच्छा कहो किसी को ना रहने दो, अच्छा अपने पास किसी को भी ना रहने दो। पता नहीं क्यों क्या हो जाए तुम लोगों को, पता नहीं क्या हो गया इसको यार, बहुत एग्रेसिव हो गए। चाहिए कि ये एक साथ का है, मैं मिलके का है, लेकिन नहीं, बस सिर्फ ये और अपनी बहन के साथ ये खाते हैं, बाकी किसी के साथ किसी को नहीं छोड़ता खाने में। आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रजा है वो अंडों पे बैठी है, तो क्या पोजीशन है, बैठ गई कि नहीं, खाने के लिए तो आई थी, अभी देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। हाँ जी बैठ गई, देखिए ज़रा माशाल्लाह बैठ गई, खाना खा लिया इसने तो, ये बैठ गई देखिए ज़रा। हेलो हेलो रजा, अरे रजा क्या है तेरा, ठीक हो। हम इस डब्बू को भी छोड़ देंगे ताकि इसने खाना खा लिया है तो भी छोड़ देंगे ना। चलो आ जाओ, निकलो 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 निकलो, इधर आओ डब्बू तुम भी आओ, दोनों आओ, चलो आ जाओ। और अब इन दोनों को भी छोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने भी खाना खा लिया, तो फिर ये भी बाहर निकलेंगे। चलो आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ निकलो। ये डग्स जो है ना ये इतने नहीं खाया, पता नहीं क्यों क्या हो जाए, बीमार तो नहीं हो तुम लोग यार, क्या हो जाए यार।
क्योंकि दो तीन दिन हो गए कि ये खाने सही तरीके से नहीं खा रहे, पता नहीं क्या वजह है, मसला क्या है इनको। तो देखते हैं, पूछते हैं से कि क्या वजह है इनकी, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम इतना खाना क्यों नहीं खाते यार। डब्बू ओए तुमने कुछ खा लिया कि नहीं, डब्बू ओए प्यारा डब्बू तुमने कुछ खा लिया कि नहीं, और तुमने भी खा लिया कि नहीं खा लिया, इधर आना डब्बू कुछ खा लिया कि नहीं, रात कैसी गुजरी तेरी, इधर इधर आना यार, क्यों यार भाग रहे। देख ले ये जब भूख होना तो फिर मेरे पीछे आता है, लेकिन जब भूख ना होना तो फिर भागते हैं और नज़दीक नहीं आता। फिर हम घास लेंगे इन मुर्गे के लिए, यहाँ से हम घास काटेंगे तो फिर ये ले जाएंगे अपने ये साथ और मुर्गे को दे देंगे जी। तो ये ले जा रहे हैं हम घास मुर्गे के लिए जी। हाँ जी, देखे किस तरह भागे आ रहे हैं। आ गए जी, मैं घास लाया हूँ आपके लिए, तो पहले सबके लिए काटेंगे इसको फिर डालेंगे। अच्छा वैसे नहीं कहना तुम लोगों ने, अच्छा हाँ पहले हम काट लेंगे, तुम क्यों खफाओ। इनको भी डाल दिया घास, किस तरह खा रहे हैं देख जरा इसको, और इनको भी डाल दिया, ये भी खा रहे हैं जी। इतना जी मैं आपको दूसरे बताता हूँ कि वो दूसरे किस तरह खा रहे हैं, ये देखिए ज़रा, ये भी खा रहे हैं जी, इन्होंने भी डाल दिया, ये सारे भी खा रहे हैं जी। तो इससे ये बड़े खुश हो जाते हैं, इससे इसका हाजमा अच्छा होता है, इन ग्रीनरी से घास की वजह से इसका हाजमा बहुत अच्छा होता है, तो ये सेहतमंद रहते हैं जी और शौक से खाते। लेकिन हमारा शेर है उसको पता नहीं अभी तक कि क्या चीज़ आप लाए हैं, वो यहाँ पे पिर रहा है देखिए ज़रा, ये बेगम यहाँ पे पिर रहा है, उसको पता नहीं कि घास आई है कि नहीं आई। चलो कहो डब्बू तुम भी कहो, खाते जाओ डब्बू खाते जाओ। हाँ तुम क्या कर रहे हो यार, जाओ शाबा डब्बू के साथ घूमो डब्बू। अरे यार डब्बू तुम्हारा दोस्त ये, घूमो शाबा डब्बू के साथ। अच्छा दोस्तों, हमने इन सबको खाना वाना भी खिला दिया था, अभी ये सब आराम से बैठे हुए देख रहे फुल चिल मूड में, जैसे ये कह रहे कि हमें बस तंग ना करो अभी। और डायनासोर कहाँ गया? हाँ हो रहा यार, क्या तुम मुर्गों से खफा हो क्या यार, मुर्गों के साथ क्यों नहीं घूमते डायनासोर, घूमो शाबाश ना। अब लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर शेरा हमें नजर नहीं आ रहा, शेरा कहाँ गया? तो दोस्तों शेरा को मैंने नीचे ले गया था, क्योंकि यार वो मुझे थोड़ा सा बीमार लग रहा था और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया था। तो उसको पहले एक इंजेक्शन भी लगवा थे, नेरोबायन का जो इंजेक्शन होता है ये ताकत के लिए होता है, जो मुर्गियों में ताकत लाता है ना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि शायद सोकड़े की हालत में ना चला जाए ना, तो इंशाल्लाह इसको एक इंजेक्शन भी लगवाएंगे। वो अभी मैंने नीचे उसको ले जाया था, क्योंकि यार अभी मुर्गे के साथ घूमते तो और भी खराब हो जाता है ना, तो ताकत उसमें फिर नहीं रही थी। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि शेरा को मैंने कहाँ पर रखा है। तो शेरा को मैंने यहाँ पर रख दिया, यह इंशाल्लाह अकेला जब हो जाएगा तो एक हफ्ते के लिए वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और खूब मस्ती करेगा माशाल्लाह। हाँ शेरा, शेरा ब्लू दोस्तों को जरा बांग सुना तो ना यार अपनी, यार ये बांग भी वैसे नहीं दे रहा, ये देख ताज को देख ले किस तरह का कलर हो गया, रेड कलर हो गया, रेड जो डार्क रेड नहीं होता उस तरह का हो गया यार। चील आ गई, चील डब्बू यहाँ पर आ जाओ डब्बू। यार हमारे सेटअप पर हमेशा यार चीले घूमते फिरते, ये देख ले इस वाले दरख्त पर चीले हमेशा बैठी रहती है। जाओ शाबाश, इसको भगाते थे यार, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर घूमते देख ले, ये वाला भी है और डब्बू भी है, डब्बू भी अभी छोटा है ना, और डब्बू किस तरह चील को देख रहा है देख ले, किस तरह डब्बू चील को देख रहा है। हाँ क्या देख रहे हो डब्बू, किस तरह चील को देख रहे है देख ले। हाँ हाँ तुम्हें कुछ नहीं, मैं हूँ ना यार, मैं हूँ इंशाल्लाह, मैं तुम्हें बचाऊंगा इंशाल्लाह। ये यार कहाँ से आ गए यार, ये सफेद सफेद क्या है, ये कहाँ से आ गए यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आ जाओ हमारी तरफ ही आ रहे हैं देख ले। हाँ हाँ शाबाश, यहाँ पर बैठ गए कुछ यहाँ पर बैठ गए ना, ये क्या चीज है यार, इसलिए चील भी आई थी। हाँ हाँ अभी मुझे समझ आ गया कि चील किस वजह से है, ये देख ले आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर बैठ गए सब, ये क्या चीज़ है यार, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये क्या चीज़ है, कुछ वहाँ पर बैठ गए देख ले और कुछ यहाँ पर बैठ गए। तो दोस्तों हमने मुर्गे को भी बिठा दिया, जिस तरह आपने हमें कमेंट में बताया था, जिस तरह आप हमें प्यार दे रहे हैं इंशाल्लाह इसी तरह हमें प्यार देते रहे हम आपसे इंशाल्लाह, इसी से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हम इंशाल्लाह देंगे। तो हमने मुर्गे को भी बिठा दिया, बद्दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्दी बच्चे निकलवा देना और पूरे बच्चे निकलवा, क्योंकि सर्दी भी है, सर्दी में बच्चों की रेशो थोड़ी कम भी हो जाती है। रैबिट्स का हाउस हमने बना दिया ना, ये देख लें इस तरह का हाउस माशाल्लाह हमारा बन गया है अभी, और इसमें अभी रैबिट्स भी जल्दी आ जाएंगे। मैं तो पहले सोच रहा हूँ कि कबूतर पहले ले आऊँ ना, क्योंकि यार कबूतर मुझे भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यार हमारे सेटअप में कबूतर होने चाहिए, आपने भी बताया कि कबूतर होने चाहिए, रैबिट्स होने चाहिए, तो हम आपके लिए रैबिट भी ला रहे हैं कबूतर भी ला रहे हैं। शायद मैं कबूतर ले आऊँ और यहाँ पर रखूँ ना, क्या सोच रहे हैं आप? हमने कल कबूतर पकड़ा था लेकिन वो यार भाग गया हमसे।
मैं तो बहुत खुश हो गया कि माशाल्लाह हमने कबूतर पकड़ लिया। यहाँ पर हमने कबूतर पकड़ा था, ये देख ले यहाँ पर, लेकिन यार भाग गया हमसे, बस हमारी किस्मत में नहीं था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे, दुआओं में याद रखें, वस्सलाम।